जय सियाराम। भारत विचार के आज के संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ द सुमित वीर शो में। और हमेशा की तरह हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन यही रहता है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में इस वीडियो को भेजें, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये भी आपको रिमाइंड करा दूं, हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। तो आपसे विनम्र निवेदन यही है, आप हमारा समर्थन करें सब्सक्राइब करके, लाइक करके और मेंबर बन के। तो आज भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं, आज का श्री गणेशा करते हैं। आज सब दो तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो मैंने सोचा कि आपके समक्ष पेश करूं। वैसे जियोपॉलिटिकली तो बहुत घटनाएं हैं, पर कुछ विशेष घटनाएं भारत और पाकिस्तान को लेकर हैं। यूजुअली ये जो भारत और पाकिस्तान है ना, इसका कंपैरिजन एक टाइम में होता था क्रिकेट में दाएं बाएं, पर अब जहां देश जितना आगे चल गया, जितना आगे बढ़ गया, इनका कंपैरिजन रहा ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं रहा। भारत एक से बड़ा एक मकाम अचीव कर रहा है, और पाकिस्तान उतना ही गिर रहा है। पाकिस्तान इज फॉलिंग टू द ऑल टाइम लो। तो आज हम अपने 10-15 मिनट का जो हमारा कार्यक्रम हुआ, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। तो मैं अपने एडिटर जी से निवेदन करूंगा, अमित जी से, कि एवी फाइल नंबर 1 दिखाए। जरा ये फाइल देखिएगा। ये फाइल में जब ये आई थी तो मुझे लगा किसी ने कोई डीफेक वगैरह तो नहीं बना दिया। आजकल डीफेक्स का बड़ा जमाना चला हुआ, किसी ने कोई डीफेक वगैरह ना बना दियो। तो अब कोई डीफेक वगैरह ना बना दियो, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। वैसे मैं आपको बताऊं, डीफेक्स पे आने वाले 10 दिनों में बहुत सख्त कानून और लेजिस्लेशन भारत आने वाला है, और भारत की गवर्नमेंट अगर कोई सिटीजन भी इन डीप फेक्स को लेके इस मीडिया में जो गलत खबरें फैलाई जाती है, जो गलत दुष्प्रचार होता है, अगर उसको लेके कोई एफआईआर करना चाहे, तो भारत की सरकार उसकी सहायता करेगी, उसको एनेबल करेगी। तो ये डीप फेक्स वगैरह तो भाई भारत में चलने वाले नहीं है। चैट जीपीटी वगैरह जो भी है, जहां चलते हो चलेंगे, यहाँ अगर वो हमारे शासन प्रशासन के साथ खेलवाड़ करेंगे, उनको हम चलने नहीं देंगे। ये जब पहले मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा भैया कहीं डीप फेक तो नहीं बना लिया किसी ने, फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे भी आया, तब यकीन हुआ नहीं, ये डीप फेक नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इसके वीडियो पे कोई शक है, क्योंकि आजकल डीप फेक साहब इतने बनने लगे कि एक बार मोदी जी को दिखाया लंदन में भांगड़ा करते हुए, मोदी जी ने कहा भाई मैंने तो 11वीं कक्षा के बाद कभी ये गरबा ही नहीं किया, और कल को कब भांगड़ा करते दिखाए, कब गरबा करते दिखाए, ये तो हमें पता नहीं लगेगा। ये आजकल डीप फेक का चलन चला है। अब यहाँ क्या दिखाते हैं, देखिए आपने देखो माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, आपने देखो जहाज तेजस से, आपने देखो उन्होंने एक सॉटी की, सॉटी इनके ऊपर गए घूम फिर के, और वो लैंड कर लिए। दो पायलट बैठते हैं, तो एक पायलट आगे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पीछे थे। ये चीज क्या दर्शाता है, इसको इंपॉर्टेंट क्यों कवर करना, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए कवर करना है, जब भारत आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, जब भारत अपनी टेक्नोलॉजी का दमखम बनवाता है, जब भारत अपनी चीजों को दुनिया के पटल पे पेश करता है, जब भारत कहता है वी हैव अराइव्ड, तो काफी लोग, और ये लेफ्टिस्ट कबाल जो है, और ये जो हमारे दाएं और बाएं वाले देश और उनके दलाल यहाँ बैठे, वो हर चीज पे सवालिया निशान लगाने का पूरा पूरा प्रयास करते। पीछे दुबई एयर शो में अगर देखे आप,
तो तेजस ने ऐसा मतलब प्रचंड प्रदर्शन किया कि JF-17 और चीनियों की जो छोटी सी नाक थी और भी छोटी रह गई, जो आंखें पतली सी थी और भी सुगड़ गई। तो अब तेजस की रिक्वायरमेंट हमारे पास करीब करीब 12-13 कंट्रियों से आज के डेट में आ रही है। आज के डेट में परिस्थिति यह है कि हम इतने जहाज बना नहीं पा रहे जितनी हमारे पास डिमांड है। आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स का ही बैकलॉग कई सालों का पड़ा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास, जो तेजस को बनाती है। बाकी कंट्रियों के ऑर्डर पड़े, कहीं LOI आई हुई है, कहीं ऑर्डर आने वाले हैं। तो ये सारा जो प्रकरण हो रहा है, ऐसे में कुछ देश के दुश्मन और गद्दार जो यहाँ रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उन्होंने तेजस पे कुछ सवालिया निशान लगाने शुरू कर दी थी। तेजस पे सवालिया निशान लगाने का मतलब भारत की आत्मनिर्भरता पे सवालिया निशान लगाना, भारत के डिफेंस पे सवालिया निशान लगाना, क्योंकि आप जानते हैं कट और कमीशन की राजनीति तो साहब खत्म हो गई, तो अब क्या करें? बड़े परेशान हो गए, बहुत व्याकुल होकर घूम रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोटेक्टेड बाय SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसमें कई हजार लोग एक VIP है इनकी, माननीय प्रधानमंत्री जी की रक्षा सुरक्षा रक्षा करते हैं 24/7। आप जानते हैं जब ये जाते कि इनकी पूरा इनका गाड़ियों का कारवान जाता है, एक ट्रांसपोर्टर में पहले इनका जो गाड़ियों का कारवान ये सब जाता है, फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं। हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, मतलब कहाँ आना है, कहाँ जाना है। और एक बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी टर्की गए थे, तो तब हमारे करीब 1,000 लोग तो यहाँ से गए थे, 1,000 लोग, फिर MI6 था, फिर रशियन थे और फिर मोसाड था। इनकी भी सहायता ली ली गई प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए टर्की। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, आप ये पूछेंगे। देखिए, इसलिए बताना है कि ऐसी व्यक्ति की जान की हिफाजत के लिए लाखों हजारों लोग और लाखों संसाधन लगते हैं, एक प्रधानमंत्री जी को कहीं खरोंच ना लगे। अब इतना वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोटेक्टेड VIP है नरेंद्र मोदी जी भी, नंबर 1। वो प्रधानमंत्री जी आपके मेड इन इंडिया जहाज में बैठते, क्या दर्शाता? ये दर्शाता भारत की अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा, ये दर्शाता भारत का आत्मविश्वास, ये दर्शाता भारत कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी चीज को लेके। देखिए, जब आप आसमान में होते तब आपको SPG तो नहीं बचा पाएगी, तब कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर इस जहाज में, अगर इस टेक्नोलॉजी में, अगर इस चीज में रत्ती भर सा भी डाउट होता, तो क्या आपको लगता कि प्रधानमंत्री जी को इस जहाज में बिठाया जाता? कभी नहीं बिठाया जाता। ये बताता भारत का उभरता हुआ सदारा, ये इस चीज का इम्पैक्ट जो जियोपॉलिटिक्स में है बहुत बड़ा है, इस चीज का इम्पैक्ट जो आपके ये जो जिसे कहते हैं ना अमेरिकन मिलिट्री कॉरिडोर, ये जो आर्म्स लॉबीज में बहुत बड़ा है। अगर भारत के प्रधानमंत्री तेजस में जाके जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये तेजस जहाज 100% सेफ और सुरक्षित है। इसमें सवालिया निशान तो हो ही नहीं सकता है, देखें बी नो क्वेश्चन मार्क अराउंड इट। ये आपको ये चीज इसको सिद्ध कर देती है। और अभी मैं आपको बता दूं, भारत में 4 या 5 IPOs हुए थे, हर IPO 70-70 गुना, 4-5 बड़े IPOs की बात करूं 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना। टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO तो 70 गुना वो सब्सक्राइब हो गया, 70 गुना। कि मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था एग्जाम्पल, या 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मेरे पास 70 गुना पैसा आया। इतना कॉन्फिडेंस है भारत और भारत की टेक्नोलॉजी पे, और इसको दर्शाया खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज जिसके पेट पे लात पड़ी है, वो पड़ी है आर्म्स लॉबी के पेट पे लात। आपको याद होगा जब वैक्सीन आई थी, तो तब प्रधानमंत्री जी ने अपनी वैक्सीन, भारत बायोटेक की वैक्सीन खुद को लगवाई थी। क्यों लगवाई थी? ये दिखाने के लिए, भाई अगर मेरी मेरी जान के लिए, मेरे लिए वैक्सीन सेफ है, तो दुनिया में हर एक के लिए सेफ होगी। आपको याद होगा UN ने बड़े नाटक किए थे, बहुत दिन तक इस वैक्सीन को रोकने की कोशिश की गई, पर अल्टीमेटली घुटने टेकने पड़े। आज वही सवालिया निशान, जब भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की आत्मनिर्भरता पे, भारत के डिफेंस सेक्टर पे लग रहे थे, भारत के उभरते वर्चस्व पे लग रहे थे, इनको नेस्त नाबूद कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी की इस मेड इन फ्लाइट ने। ये देखिए, ये है भारत को उगता हुआ सूरज, ये है भारत का प्रचंड वर्चस्व, और जिसको खुद दर्शा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये वीडियो को आप हल्के में न ले, ये दुनिया में हड़कंप मचाने वाला वीडियो है। दुनिया में 3 बड़ी लॉबीज होती है, आर्म्स, ऑयल और फार्मा। आर्म्स लॉबी में अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो आज भूचाल आगे होगा, ये वास्तविकता है। तो ये वास्तविकता है आज के भारत। अब इसके बाद हम चलते हैं साहब थोड़ा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बात इसलिए बात करना जरूरी है कि भाई हम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस तो एक साथ मिली थी ना, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, पाकिस्तान को हमने जगा दी थी। पाकिस्तान नेवर फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, ये क्लियर कर दीजिएगा।
पाकिस्तान हम में से पैदा हुआ, हमने उनको खैरात में कंट्री दे दी, भाई यहाँ रह लो। पाकिस्तान नेवर फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान कभी इंडिपेंडेंट था ही नहीं, ये बात चीज आपको जाननी माननी और समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान वॉज नेवर इंडिपेंडेंट, ये बात आप समझिए, हमने उनको जमीन दी है। अब मैं एडिटर जी से निवेदन करूंगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री आकाश छू रहे हैं, जब भारत की टेक्नोलॉजी आकाश छू रही है, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जरा इस पे जरा आप एक नजर घुमाइए। आयू असां जो थोड़ो हक आहे सिंध ते, छो वेरी बणजी वया हो, धारिया बणजी वया हो, असां हिंदुन जा सिंध में, छो जुल्मी बण जी वया हो, जालिम बण जी वया हो, असां हिंदुन जा सिंध में, छो रोज करो था वार असां ते, मजहबन ऐं धर्मन जा ताला ट्रोड़े, पत्थर हणी छो दर बन्यो था मंदरन जा, छो तरसदा को रहमना सिंध में हिंदू दे माणन ते, खुदा जी हिन खुदाई जो को डपना है वानन के। ये आपने क्या देखा साहब, ये आपने देखा जगह है सिंध, जगह है पाकिस्तान, माँ हिंगला का एक प्राचीन मंदिर। ये देखिए हिंगला की जो शक्ति पीठ है वो बलोचिस्तान में, ये अलग अलग आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये माँ हिंगला का एक प्राचीन मंदिर था, सडनली पाकिस्तान के जहादियों को इतनी मिर्ची लगी, इतनी सोर का बाल उनकी आंख में घुस गया, उन्होंने कहा भाई ये मंदिर इलीगल है और इसको डिमोलिश करना। आज तक ये मंदिर इलीगल नहीं था, आज तक मंदिर बिल्कुल लीगल था, कोई इलीगल मंदिर नहीं है। आया उन्होंने माता के मंदिर पे बुलडोजर चलाया। अब ऐसी आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ क्या होगा, उनका विनाश और होगा, माँ का कहर उन पर टूटेगा और बर्बाद और भिखारी हो जाएंगे जिहादी पाकिस्तानी। ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री तेजस गए और इफेक्ट आपको यहां दिखा, भारत के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि जाते तो विरोध पाकिस्तान में होता है, क्योंकि आपको याद होगा एक बार विराट कोहली ने डबल सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, कोहली हमारे वहां एक कोहली बच्ची थी बेचारी लड़की हमारी बच्ची, उसको पकड़ा और उसका गैंगरेप किया। ऐसे पाकिस्तान में जवाब दिया जाता भारत को, ये आपको जहादियों की वास्तविकता आज मैं समझाता हूँ। अब मैं एडिटर जी से निवेदन करूंगा अगला फाइल दिखाए, तो आज इनकी पोल पट्टी थोड़ी खोली, इनकी औकात इनको दिखाई दे। इंडिया ज्यादती करता है इस चीज में, ये अपना बड़ेपन का, बड़ा होने का एक नजायज फायदा उठाता है कि जहां पे देखिए पाकिस्तान... वो बड़ा नहीं है। अच्छा, वो बड़ा इसलिए नहीं है कि आपको मैं आप स्टैटिस्टिक मैं आपको बता दें, आप मुझे बताएं कि 1 करोड़ में 2 करोड़ में वो कंट्री चल सकती है, आबादी कितनी है 120-130 करोड़, तो उनके 120 करोड़ रुपए ये वो कुछ नहीं है, ये वो रेशियो है। सही है, वो जो कहते हैं ना लाजमी बात है कि उनकी कंट्री बिलियनों में जाएगी ना, हम मिलियन में जाएंगे, वो बिलियन में जाएंगे, इक्वल है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखो, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम इंडिया से बहुत आगे हैं, समझ आई? आज तक किसी ने बात नहीं की, हम अपने वसाइल ये पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद है, ये कह रहे हैं आप तो मिलियनों में जाएंगे और बिलियनों में जाएंगे क्योंकि आबादी ज्यादा है। वैसे हम वैसे वो भिखारी पाकिस्तान भारत से कहीं आगे और भारत से कहीं बड़ा है पाकिस्तान और कहीं स्टेबल है पाकिस्तान, ये मियांदाद साहब कह रहे हैं। ये देखिए जहादी नंबर वन मियांदाद, ये देखिए ये है पढ़े लिखे संपन्न लोगों की मेंटेलिटी। अगर साहब आप शीशे में खड़े होकर खुद से झूठ बोलोगे तो भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये है पाकिस्तान की असलियत। ये कह रहे हैं हम भारत से आगे हैं क्योंकि हमारी आबादी इतनी, अरे जाहिल हो अनपढ़ हो, अगर तो आबादी के हिसाब से भी देखो तो तुम्हारा GDP है 280 बिलियन, ठीक है, तो हमारी माला तुम्हारी आबादी तुमसे 5 गुना 6 गुना है, तो ठीक है, तो क्या हो गया, तब भी तो तुम हमसे आधे से कम हो, पर कैपिटा इनकम है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, फिर तुम्हारे हिसाब से कतर तो भीख मांगना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से ब्रुनेई तो भिखारी होना चाहिए, और तुम्हारे अगर आबादी का हिसाब लगाए तुम्हारे हिसाब से सिंगापुर तो इंटरनेशनल भिखारी होना चाहिए। ये आप देखिए पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता है, ये पाकिस्तान में हो रहा था, दिस इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सॉरी
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कब बने, कब ये चाइना का पार्ट बने मुझे भी नहीं पता। अब मैं आपको एक और एवी फाइल दिखाता हूँ, ये भी जरा देखिए। स्टॉप डॉल्फिन, ये आपने सही पढ़ा, स्टॉप डॉल्फिन रेपिंग ट्रेडिशन इन सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान में क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा साहब, डॉल्फिनों को पकड़ा जा रहा है और उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, क्योंकि उनका मानना है डॉल्फिनों का वो अंग काफी, वो अंग ह्यूमन अंग से मिलता जुलता है, इसलिए अनपढ़ जहाजी डॉल्फिनों को पकड़ पकड़ के उनका बलात्कार करते हैं, मास रेप करते हैं, ताकि उनको वो वाला फीलिंग आए। ये पाकिस्तान है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ जाते हैं, अपने LCA में सॉर्टी करने जाते हैं, मोस्ट प्रोटेक्टेड VIP इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, ये डॉल्फिनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार डॉल्फिनों के साथ नहीं होता, बलात्कार होता है डियर्स के साथ, हिरन के साथ, बलात्कार होता है ढंकियों के साथ, मास रेप होता है। और अभी आप देखें तो एक ट्राइबल कोर्ट ने किसी लड़की को सजा दी, कह रहा तुमने कुछ गलत काम किया था, पूरा गांव तुम्हारे साथ बलात्कार करेगा। मतलब मुर्गी का बलात्कार, बकरी का बलात्कार, डॉल्फिन का बलात्कार, आपने डॉल्फिन का बलात्कार कहीं सुनोगे, इसके लिए पाकिस्तान फेमस है, गधे का, हिरन का और ह्यूमन का। ह्यूमन का मास रेप तो एक सजा दी जाती कि तुमने ये कुछ कुछ दीन या हुजूर के में कोई गुस्ताखी की है, व्हाटएवर रीजन कुछ भी हो सकता है, अब तुम्हारी सजा ये है। ये है जहादी पाकिस्तान की वास्तविकता, ये है वहां का चलता चरण। आप बताइए साहब, कोई कंपैरिजन है भारत और पाकिस्तान? और इसी दौरान मैं आपको एक अपील करूं, जब भारत और पाकिस्तान का मैच होना, भावुक ना हो, उतावले ना हो, हमारा इन जहादियों के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनके साथ खुद का कंपैरिजन करके इनको हम कोई जगह दे रहे हैं, इनको हम कुछ इनकी वक्त बढ़ा रहे हैं, इनकी वक्त तो चार आने की नहीं, देयर वर शिट, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इनसे कंपैरिजन करके इनको अपने पास लगा के आप देखिए, जो कहते हैं साइंस में जाते हैं, मून रिफ्लेक्ट सन्स लाइट, जितनी मून चांद सन के पास होगी उतनी उसमें चमक होगी, तो पाकिस्तान वो मून है, पाकिस्तान को सन ना बनाइए। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून, सन एंड मून का कंपैरिजन ही नहीं होता, ये तो वैसी फर्जी मून है। और जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था उनको हमने हिस्सा दे दिया, वहां निकल गया, और जिसको जाने की इच्छा वो अब भी जा सकता है, उसका पूरा पूरा स्वागत है। मैं तो बहुत बार सरकार से कहता हूँ, फ्री बस सेवा चलाइए वाघा तक, जिसको भी दिक्कत हो सरकारी गाड़ी में डालिए, वाघा पे उतारिए और पिछवाड़े पे लात मारिए और सीधा अंदर भेज दीजिए, कोई जरूरत नहीं ऐसे जहादियों की। आप ये देखिए, क्रिकेट के चक्कर में या और चीजों के चक्कर में भारत और पाकिस्तान को कोई कंपैरिजन ही नहीं। ये मैं आपको इस वीडियो से दर्शाता हूँ, कहाँ भारत, कहाँ देखिए कर्मयोग की शक्ति, 70-75 सालों में हम कहाँ पहुंच गए, और कर्मयोग विनाश काले विपरीत बुद्धि उसका प्रकोप देखिए पाकिस्तान 70-75 सालों में कहाँ पहुंच गया। अब यहाँ डॉल्फिनों का मास रेप होता है, डॉल्फिनों को पकड़ के मास रेप होता है, गधे और हिरन का मास रेप होता है, रेप, दिस इज रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। अब ये मेरा इनिशिएटिव है लाइव सेशंस को लेके, इसमें आप एक आईडी दे सकते हैं, sumitpirofficial@gmail.com, आप मुझसे इस पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये पूछना भाई मेरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मेरी बिजनेस पे, मेरी लाइफ पे, मेरी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रॉड लेवल चीजें हम बता देते हैं, पर स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए, स्टार्टअप है, स्पिरिचुअलिटी है, फाइनेंसेस है, और भी आपको किसी चीज़ की मेंटरिंग और एडवाइस की जरूरत है, आप इस आईडी पे मुझे रीच कर सकते हो। और यहाँ आपने देखोगा नीचे एक मेरी वेबसाइट भी है, www.sumitpeer.com, अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको इस पे सारी डिटेल्स मिलेंगी जो आपको हमारे बॉर्डर पे दिख रही है sumitpeer.com, और ये आईडी तो आप देख रही है sumitpeer.official.com, तो यहाँ दिख ही रही है, यही आईडी वहाँ पे भी आप, हम मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम आपसे जुड़ेंगे ओवर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये पेड एडवाइजरी है, कंसल्टेंसी है, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह को लेके कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर एक का केस इंडिविजुअल अलग होता है, केस को समझ के, केस के डायनामिक्स को समझ के अकॉर्डिंगली एडवाइजरी दी जाती है। मैं इसी के साथ अपनी वामनी को आज विराम दूंगा, क्योंकि समय की मर्यादा भी है, और जाते जाते आपको इससे यही कहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।